बहुत अच्छा रिस्पांस है जी। दो दिन की प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टमेंट समिट जो है वो भगवंत मान जी की योग्य अगुवाई में हुई है और यहाँ पे देश के सभी प्रदेशों से और विदेशों से भी अच्छे बड़े बिजनेस हाउसेस आए हैं और उन्होंने कमिटमेंट दिए कि आने वाले समय में, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा ईमानदार माहौल, एक सपोर्टिव माहौल चाहिए होता है, वो भगवंत मान जी की अगुवाई में पंजाब में है और इस वजह से इस समिट के ज़रिए आपको अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आने वाले समय पंजाब में देखने को मिलेगी। और सर, अजनाला में किस तरह पर क्या अभी अपडेट है और क्या? देखिए, ऐसा है कि जहां तक कल जो एक इंसिडेंट अजनाला में हुआ, अमृतपाल के ने जो वहां पे आके जो एक तरीके का दंगा या फसाद करने की कोशिश की, मैं उसमें बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार बड़ी मजबूत है। अलग अलग तरह की स्टोरीज़ और थ्योरीज़ मीडिया, नेशनल मीडिया में चल रही है। मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक इस चीज़ को बचाने के लिए कि ऐसा माहौल ना बने, क्योंकि अमृतपाल वहाँ पे और उनके साथी जो हैं वहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप लेके पहुँचे थे, और ना पंजाब सरकार ना पंजाब पुलिस ये कभी ना चाहती थी ना चाहेगी कि श्री ग्रंथ साहब जी के की बेअदबी होए। इस वजह से रिस्ट्रेंट जो है वो वहाँ पे वर्ता गया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति जो सिखिज्म की बात करते हैं, आज अगर वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को थाने में लेके पहुँचेंगे तो क्या ये सही है? मसला सिर्फ और सिर्फ था कि एक लड़का वरिंदर सिंह, जो कि शायद अमृतपाल को पहले फॉलो करता था, उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए अमृतपाल को सोशल मीडिया पे, उसको किडनैप किया गया, उसकी पिटाई की गई। अब लॉ ऑफ लैंड जो है वो चलेगा उसके, और उस वो चलना चाहिए उसी के मुताबिक एक FIR जो है वो दर्ज हुई। लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करना, मैं समझता हूँ कि ये कहीं भी किसी भी एंगल से किसी भी जरिए से ये जायज़ नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही आगे से ऐसा होगा। सिर्फ और सिर्फ जो कल हुआ वो, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आगे थे, जिसको सिर्फ सिख धर्म ही नहीं या सिर्फ 3 करोड़ पंजाबी नहीं, सारी दुनिया मानती है, जो सरबत के भले की बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी, अगर उनको उनकी आड़ में कोई अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए या हमला करने के लिए आएगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। सो मेरी सभी से यही विनती है कि अगर कोई ऐसा इशू था, उनको लगता था कि कोई गलत पर्चा हुआ है, तो पुलिस को, सरकार को उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती थी, कोर्ट को रिक्वेस्ट की जा सकती थी, लेकिन ऐसा इस तरीके का हड़दंग मचाना मैं समझता हूँ जायज़ नहीं है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस बड़ी मजबूत है और किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना होए, इस करके कल रिस्ट्रेंट बरता गया। देखिए, स्थिति 100% अंडर कंट्रोल है और लॉ ऑफ लैंड विल टेक इट्स कोर्स। ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ कुछ एंगल से पंजाब के हालातों के बारे में दिखाया गया। पंजाब बड़ी मजबूत सरकार, एक बड़े मैंडेट वाली सरकार, एक सशक्त लीडर के हाथों में, भगवंत मान जी के हाथों में है, और यहाँ पे हर व्यक्ति सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। थैंक यू सो मच। लगता नहीं कल समिट चल रहा था उसी दौरान, ये इसको किस तरह से देखते? देखिए, ऐसा है कि अब इसके बारे में मैं कुछ कहूँ किससे देखना, तो एक तरफ तो हम पंजाब को मुड़ द्वारा खुशहाल और रंगला पंजाब बनाने के लिए भगवंत मान जी की अगुवाई में सारी की सारी सरकार लगी हुई है, और दूसरी तरफ कोई ऐसा शरारती अंसर इस तरीके से माहौल पंजाब का ख़राब करने का, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये चीज़ें बहुत लंबा समय नहीं चलती। थैंक यू।